हेलो एवरीवन और वेलकम टू गबरू फिटनेस। मैं सचिन आपका भाई आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक है अपनी पुरानी एक वीडियो से इंस्पायर होकर मैंने किया, बिकॉज उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट जिम, और वो काफ़ी लोगों को पसंद आया है। काफ़ी छोटे बच्चे उसमें कमेंट लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों का जवाब देना। तो उसी से इंस्पायर होकर ये वीडियो मैं एक और बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और जो ये चैनल मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि मैं जो कंटेंट डालता हूँ, जो वीडियोज़ मैं अपने लिए बना अपने आप सभी के लिए बनाता हूँ, वो आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और उसके लिए मैं बस इतना चाहता हूँ आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलो आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली व्हाई वी शुड स्टार्ट जिम इन अर्ली एज। अर्ली एज से मेरा मतलब यह है कि देखिए 14-15 साल का जो लड़का है, अगर वो सोच रहा है फिटनेस में आगे जाके कुछ करने का या अपनी बॉडी बनाने का, तो जहाँ तक मुझे लगता है 14-16 ईयर्स की एज जो है एकदम राइट एज है, अगर आप अपना करियर फिटनेस इंडस्ट्री में भी बनाना चाहते हैं। तो देखिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई से भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी बनती है, बट आजकल फिटनेस में भी बहुत कुछ है। अगर आप इसको सही टाइम पे सही नॉलेज के साथ प्रॉपर तरीके से करेंगे इस एज से आगे जाके 5-7 साल तक, तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप मेरा विश्वास करना। और उससे भी पहले कुछ आगे मैं बढ़ूँ, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, 1 मिनट की क्लिप है, मैंने अपने छोटे भाई के लिए बनाई है, वो आप ज़रूर देखें। इस क्लिप को दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि इसका बहुत ही पैशन है, अभी इस 16 साल का है ये, और ये इसने 6-8 महीने से जिम स्टार्ट कर दिया है, और ये बहुत ही मेहनत कर रहा है अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए। इसका कोई करियर के बारे में इसने ऐसा नहीं सोचा है अभी, बट स्टिल अगर ये मेहनत करेगा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, तो इसके साथ इसके पास एक सेपरेट अपॉर्चुनिटी और भी रहेगी जिसको ये आगे जाके एक ग्रैब कर सकता है, कि अगर इसका मन करता है एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बनने का, अच्छी नॉलेज हो जाती है आने वाले 5 साल में अच्छे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो न्यूट्रिशन को कोर्स करके ये आगे जाके एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकता है। जिम में अगर इसको लगता है कि यार ये एक बहुत अच्छी बॉडी बनाता है, थोड़ी मेहनत करता है, आगे जाके अपना जिम खोलना चाहते हैं तो बजट है तो अपना जिम खोल सकते हैं, आगे फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं तो फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आगे जाके खुल जाती हैं। बट इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ मेहनत। अगर आप 14-16 साल की उम्र में एक अच्छे से आप जिम जाना स्टार्ट करते हो, फिटनेस पे ध्यान देते हो, अपनी बॉडी पे, अपनी डाइट पे, सब चीज़ पे अच्छे से ध्यान देते हो, तो आने वाले 5 साल जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाले, बिकॉज इन 5 साल के अंदर जब आप 21 साल के होगे तो आप कहीं जाके कॉम्पिटिशन खेलना चाहो तो कॉम्पिटिशन्स भी खेल सकते हो, आप आप खाली एक अच्छा शरीर बनाना चाहते हो, बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए आने वाले कॉलेज टाइम में, कई लोग सोचते हैं 22 साल की उम्र में जाके सोचते हैं कि 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके माइंड आपकी जो साइकोलॉजी होगी यही होगी, बिकॉज यू नो कि हमें पता है कि मेहनत करनी पड़ती है, ये छोटे रास्ते धीमे रास्ते टेढ़े मेढ़े रास्ते ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अगर आप सही टाइम पे सब चीज़ स्टार्ट कर दोगे तो आपको आपके माइंड में कभी भी गलत चीज़ें नहीं आएंगी, आपको सब कुछ नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से होगा। जितना जो 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 पहले स्टार्ट करी है आपने, आपको उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा, तो आपको किसी भी शॉर्टकट तरीके पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका एक अर्ली एज जिम स्टार्ट करने का इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि जो हमारा जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका दिमाग जो होता है वो इस एज में अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है, लड़कियों के पीछे जाना, पैसे के पीछे जाना, या किसी और चीज़ के पीछे जाना, और एक चीज़ आपके माइंड में मैंने वो डाल दी फिटनेस के पीछे जाना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ में जाना, अगर आप फिटनेस के पीछे जाओगे तो आपको किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं करना, आप सिर्फ कुछ अपने लिए कर रहे हो, अपनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, आपकी फैमिली भी खुश होगी, आपके दोस्त भी सब चीज़ खुश होंगे, तो इस चीज़ सबसे ज़्यादा फायदा है रेदर देन और फालतू चीज़ों के पीछे जाने। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में आपको अगर आप फिजिकली फिट हो तो मेंटली भी फिट हो, आपको पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देते हो और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हो तो आपको इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा होगा, आपने अपने पढ़ाई के लिए भी आप जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, अच्छा खाना खाओगे, तो नेचुरली बात है इस पर आपको माइंड पर जोर कम पड़ेगा और आप अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे पाओगे।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अर्ली एज जिम स्टार्ट करने से बेनिफिट हो सकते हैं। पर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, मैं ये लोगों को तक ये मैसेज इसलिए पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं जिम जाने से, तो प्लीज़ मेरे कुछ एक दो वीडियोस हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो ज़रूर दिखाओ अपने पेरेंट्स को कि भाई हाँ इसमें भी करियर है। और आप देखोगे कि जो 22 साल 23 साल या 25 24 साल की उम्र में जिनकी बहुत अच्छी बॉडी होती है, तो वो 1 साल 6 महीने में बॉडी नहीं बनती है, उन्होंने 7 साल 6 से 5 5 साल बहुत मेहनत की होती है, तब जाके वो उस लेवल पर पहुँचते हैं। और उसके लिए आपको इस टाइम से जो है मेंटेन करना, अपनी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अपनी डाइट को मेंटेन करना, अपने रूटीन को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग से। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आएगा, बहुत छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैं आप लोगों तक, और मैंने पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करना, जहाँ पर मैं अपनी डेली स्टोरीज़, हेल्थी न्यूट्रिशन टिप्स सब कुछ कोशिश करता हूँ डालता रहूँ और आप लोगों को पहुँचाता रहूँ। टिल देन बाय, और मिलेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियोस में।